नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का 8वां भाग। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव की जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे ठिठोलियां कर लेती थी, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी, और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था। झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग और हास विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्य ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खरकते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। झुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो? गोबर की धमनियों का रक्त प्रबल उठा, बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। झुनिया और गहरे पानी में उतरा, भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देता क्या है? आशीष? आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय न समझ सका। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध ले जाया करती थी। ससुराल में उसके ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था। मगर यह आमदनी जैसे मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्युत मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो वह क्यों द्वार द्वार घूमे? झुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका, कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है? उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सरबस तो तभी पाओगे जब अपना सरबस दोगे। मेरे पास क्या है झुनिया? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो? गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। झुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा, फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गोबर को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? झुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काऊ काऊ करने लगेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष अगर वह क्यों डरे?
बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। झुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है, क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं है? और गांव क्यों छोड़े? माता दीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया? दाता दीन दांत कटकटा कर रह गए। माता दीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया, अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना खाना खुद पकाते हैं और अब तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दाता दीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया? उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराई का रौब तो था ही, महाजनी का रौब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया, कहीं झुनिया दिल लगी ना कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन से कहती हो झुना कि खाली लालच दे रही हो? मैं तो तुम्हारा हो चुका हूं, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी? तुम मेरे हो चुके हो, कैसे जानू? तुम जान भी चाहो तो दे दो। जान देने का अर्थ भी समझते हो? तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बहन घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी हो, भौरों की भांति फूल का रस लेकर उड़ जाते हैं, तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे। गोबर के एक हाथ में गाय की पगैया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी, कितनी मुलायम, गुदगुदी, कोमल कलाई। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा झुना, और मरते दम तक निभाऊंगा। झुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे और चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो तो मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ, एक से एक बाबू महाजन ठाकुर वकील अमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, झुनिया तरसा मत, कोई मुझे रसीली नशीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया हो। कोई रुपए दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं उम्र भर। लेकिन उस जन्म में भी, लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती, सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले, मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्काती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊँ तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा, वह मर जाएं तो मैं कहूँगी, अच्छा वह निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊँ उसके लिए जन्म जन्म के लिए हो जाऊँ, सुख में दुख में संपत में विपत में उसके साथ रहूंगी। हर्जाई नहीं हूं कि सबसे हस्ती बोलती फिरूं, न रुपए की भूखी हूं न गहने कपड़े की, बस भले आदमी का संग चाहती हूं, जो मुझे अपना समझे, जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधे से दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली किसी नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लेकर भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहू जी बहू जी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर की किवाड़ बंद किए चले आ रहे,
मैं समझ गई इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद कर लिया? क्या बहू जी कहीं गई हैं? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक नेवते में गई है और मेरी ओर दो पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना है तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। तो बोला, आज तो तुम यहाँ से ना जा पाओगी झूनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं बच्चे को दिखाऊंगा तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूं। मेरी छाती धक धक करने लगी, या कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी, कोई चिल्लाना भी तो ना सुनेगा। लेकिन मन में मैंने निश्चय कर लिया कि मेरी दूध देर छुई तो दूध की भरी हांडी उसके सिर मुंह पे पटक दूंगी। बला से चार पांच सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित, मैं अहीर की लड़की हूं, मूछ का एक एक बाल नचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरे की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने, एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं तो भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं विप्र हूं, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ गोबर, तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी, हांडी उसके मुंह पर दे मारी, सिर से पांव तक सरोबोर हो गया, चोट भी खूब लगी, सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा कि अब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लाते जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठठा मार कर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मुझे भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई, उसकी घरवाली आ गई थी, अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं। पंडित लगा हाथ जोड़ने। मैंने कह दिया, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है झूना, यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई, गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया, उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया, जूती से पीटती, ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूं। छुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे, खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता, टिंग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं, 300 दंड रोज मारता हूँ, दूध दही नहीं मिलता, नहीं तो अब तक सीना यों निकल आया होता। क्या कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। झुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है, जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी तो बस लगे घूरने और छाती पीटने, और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो नीरे लपंट होते हैं, फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूं। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लें। झुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूसा जमाया, लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने, मैं जैसी कुछ हूं मैं जानती हूं,
मगर लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निभा ना हो। सुनती भी हूं और देखती भी हूं, आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के काश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे, उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25-25 की होगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी, एक साइथ कॉलेज में पढ़ाती भी थी, 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बजावे, हारमोनियम वह सब बजावे, नाचे वह गावे वह, लेकिन ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किस मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते। मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गपड़ू बाबू नीचा सिर किए जैसे मुंह में कालिक सी लगाए रखते थे। लड़कियों को डांटते थे, समझाते थे, पर सब खुल्लम खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है, हम अपने मन की रानी हैं, जो हमारी इच्छा होगी हम वह करेंगे। बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले, मारने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा। लेकिन भाई, बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे, वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। मेरी समझ में तो यही नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया है। लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती भाई, मन को जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें घर की रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपने रोटी दाल में ही मगन रहती हैं, हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। मेरी दोनों भावजों ही को देखो, हमारे भाई काने कुबरे नहीं हैं, 10 जवानों में एक हैं, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीन साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और साड़ियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहो कि इसके लिए अपनी लाज बेचती फिरूं, तो भगवान इससे बचाए। एक के साथ मोटा झोटा खाकर उम्र काट देना, बस अपना यही तो राग है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झाक करेगा तो औरतें भी आंख लड़ाएंगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेंगी। मर्द का हरजाईपन औरतों को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत को मर्द का, यही समझ लो। मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो भी इच्छा होगी वह करूंगी। या चाहो कि तुम अपने मन की करो और औरत को मार के डर के काबू में अपने रखो तो यह ना होगा। तुम खुले खजाने करते हो, वह छिपकर करेगी, तुम उसे जलाकर सुखी नहीं रह सकते। गोबर के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी, तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। झुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें और अपने सतीत्व के बखान से मुग्ध कर दिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की अगारी उसे मिल जाए तो धन्यवाद, फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। झुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीव दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरहे हो, मुझे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चली चलती, अम्मा भी तो देख ले। झुनिया ने लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर क्यों ना आऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ अब कब आओगे,
रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो ना मिली तो लौट जाना, तो फिर मैं ना आऊंगा। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ, तुम भी वचन दो कि मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता, मेरी बला से। जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जुनिया जानती थी कि वह आएगा, कैसे ना आएगा, और गोबर जानता था कि वह मिलेगी, कैसे ना मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हांकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। धन्यवाद।